गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिकों में हमने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं कार्बनिक यौगिक। उनमें नंबर एक होता है हाइड्रोकार्बन, उसके बाद मैंने बताया था हेलो एल्केन, एक बताया मैंने अल्कोहल, एक बताया एल्डिहाइड, एक बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और एक होता है कीटोन। ये छह प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था। इनमें से हाइड्रोकार्बन को हम स्टडी कर चुके हैं, और ये बता था मैंने हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, एक संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है, ठीक है। संतृप्त को हमने एल्केन बोला था, एल्केन, और असंतृप्त में दो आते हैं एल्कीन तथा एल्काइन, ये पढ़ चुके हैं हम। इनके इनसे बनने वाले यौगिक, उनकी संरचनाएं, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। एल्केन में सीधी श्रृंखला वाले, शाखित श्रृंखला वाले और वलयाकार हाइड्रोकार्बन सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हेलोअल्केन्स कि हेलोअल्केन्स क्या होता है। हेलोअल्केन्स देखो, एल्केन का हमें पता ही है, एल्केन का साधारण सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का साधारण सूत्र। तो अगर किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को हम हैलोजन से रिप्लेस कर दें, और हैलोजन कौन कौन से होते हैं, हैलोजन मैंने बताया था, हैलोजन 17वां समूह जो होता है पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी का जो 17th ग्रुप होता है, उसमें जो मेंबर होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस 17वें समूह के सदस्यों को हैलोजन बोला जाता है। अब ये जो एल्केन है, इस एल्केन में एक एल्केन का, कोई एक एल्केन का साधारण सूत्र जैसे मीथेन है, पहला एल्केन, एल्केन का पहला मेंबर है ये मीथेन, सूत्र होता है CH4। उसने बताया अगर एल्केन में एक हाइड्रोजन को हम किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दें, हैलोजन से विस्थापित कर दें, तो बनने वाला यौगिक होगा हेलो एल्केन। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया मीथेन CH4। अब इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय किसे, हैलोजन से। हैलोजन क्या, हैलोजन में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। क्लोरीन लगभग नहीं होती, क्लोरीन नहीं होती इसमें ज्यादातर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही होती है। अब ये देखो मीथेन, अगर इसको क्लोरीन से, इसमें एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या सूत्र बनेगा, CH3Cl। तो ये जो मेंबर निकल के आया है ये बन जाएगा हेलो एल्केन, ठीक है भाई, हेलो एल्केन। तो हम इसको देखकर क्या बता सकते हैं, या इसको देखकर हम क्या कहेंगे, इसमें से, इस ग्रुप में से CnH2n+2 हाइड्रोजन, उसने कहा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, हैलोजन से। अब ये सूत्र क्या बन जाएगा, मतलब हैलोजन का सूत्र क्या होगा, ये सूत्र बन जाएगा CnH2n+1, क्योंकि दो की जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और वो बदल किससे गया, या इसकी जगह क्या जुड़ गया, इसकी जगह जुड़ गया एक्स, एक्टर मतलब है कोई हैलोजन। तो एल्केन का साधारण सूत्र क्या बना, ये बन गया CnH2n+1 और साथ में एक्स। एक्स क्या है, एक्स बराबर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक्स हो सकता है। अब अगर हम कार्बन में एन का मान क्या हो सकता है, एन का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, जैसे मीथेन में था। अब एन का मान अगर यहां रखेंगे हम C1H2 × 1+1 और x, x क्या है, मान लो हमने यहाँ क्लोरीन ले लिया तो निकल के क्या आया CH2 × 2 = 3 CH3 Cl, ये आएगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर n का मान 2 रखेंगे हम C2H5Cl आएगा, अगर हम n का मान 3 रखेंगे तो C3H7Cl आएगा। ये तो मैंने बता दिया भी क्लोरीन के साथ कि भाई क्लोरीन हैलोजन मेंबर, हैलोजन श्रेणी का एक मेंबर क्लोरीन, उसको अगर जोड़ते हैं तो ये देखो ये यौगिक निकल के आएंगे। ये जो यौगिक है ये हैलोजन है या हेलो एल्केन इसको कहेंगे, लेकिन ये हेलो एल्केन है क्या, इसका नाम क्या है? तो इसका नामकरण मतलब किसका नामकरण करें हम, किसका नामकरण करें, हेलो एल्केन्स का। अब ये तो हमें पता है कि कार्बनिक यौगिकों का नाम उस कार्बन यौगिक की मुख्य श्रृंखला के आधार पर रखा जाएगा। मुख्य श्रृंखला मतलब जैसे उसमें कितने कार्बन है उसके आधार पर रखा जाएगा। जैसे एक मुख्य श्रृंखला ये है, अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें तीन है तो मतलब ये है तो एल्केन में, हेलो एल्केन, एल्केन में है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोपेन है, प्रोपेन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका नाम आएगा तो प्रोपेन से ही। लेकिन अब इसके साथ अगर कोई हैलोजन सदस्य जुड़ा हुआ है तो उसका भी तो नाम इसमें साथ में आएगा। अब जब भी कोई ऐसी चीज जुड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कार्बनिक यौगिक के शुरू में या अंत में कोई शब्द जोड़ते हैं, या तो एक प्रीफिक्स होता है जो स्टार्टिंग में जुड़ता है जैसे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो लास्ट में जुड़ता है उसको बोला जाता है सफिक्स, ठीक है। तो नामकरण करते समय किसका नामकरण, जो हम एल्केन, इसको हम एल्केन का डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, मतलब एल्केन को हमने बदल दिया किसी दूसरे समूह से, और समूह क्या है, यहाँ हैलोजन है, तो ये हैलोजन को हम प्रकार्यात्मक समूह भी यहाँ बोल सकते हैं। तो एक प्रकार्यात्मक समूह किसके साथ जुड़ा, एल्केन के साथ, जिसने उसके गुणों को बदल दिया और उसका नामकरण भी अब बदल जाएगा। तो यहाँ जब ये जुड़ेगा, अब एक्स में कोई भी हो सकता है हैलोजन, कोई भी हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसने बताया जब ये जुड़ता है तो हम प्रोपेन के या तो आगे कोई शब्द लगाएंगे या पीछे कोई शब्द लगाएंगे। तो जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन को हम कार्बनिक यौगिक के स्टार्टिंग में लगाकर नामकरण करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन क्यों, क्योंकि भी तीन कार्बन का सदस्य है ये, तीन कार्बन है इसमें, तो तीन कार्बन वाला यौगिक क्या होता है, प्रोपेन होता है, और इसमें क्लोरीन जुड़ गई है तो क्लोरोप्रोपेन। देखो 10th क्लास तक ऐसे ही नाम है, जैसे ये जुड़ा है, ये इसका क्या नाम आएगा, इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन, और क्लोरीन जुड़ा है तो नाम क्या पड़ेगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। हालांकि इसका साधारण नाम जो होता है वो होता है मिथाइल क्लोराइड, इसका साधारण नाम है IUPAC नेम कर नामकरण करने के लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हम हैलोजन श्रेणी के सदस्य का नाम पहले लेंगे, जैसे क्लोरोमीथेन, लेकिन इसका साधारण नाम, ये तो IUPAC नाम है, साधारण नाम में क्या होगा, क्लोरीन बाद में आएगा तो नाम पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड। ये जैसे है प्रोपाइल क्लोराइड, इसका साधारण नाम है प्रोपाइल क्लोराइड, जबकि IUPAC नेम है क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है, बात समझ में आएगी। अब इनसे ये देखो सदस्य है, क्रमागत सदस्य है, किसके, हैलोजन श्रेणी के क्रमागत सदस्य, या ये कह दो कि हेलो एल्केन के क्रमागत सदस्य है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हेलो एल्केन क्या बनाते हैं, ये समजातीय श्रेणी बनाते हैं, समजातीय श्रेणी, और हम पढ़ चुके हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, क्यों बनाते हैं समजातीय श्रेणी, मैंने बताया था कि समजातीय श्रेणी के जो क्रमागत सदस्य होते हैं उनके बीच में CH2 इकाई का अंतर होता है, तो इसके और इसके बीच में देखो कितने का अंतर है, इसके और इसके बीच में एक तो कार्बन का अंतर है, और तीन कार्बन, तीन यहाँ पे है, पांच यहाँ पे, इसका मतलब कार्बन दो का अंतर है, तो CH2 इकाई का अंतर होगा। तो हैलोजन जो होते हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं, वो भी क्या बनाते हैं, समजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं, और नामकरण करते समय हम हैलोजन को एज प्रीफिक्स लिखेंगे, मतलब पहले बोलेंगे। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता, CH3 और Br होता, तो ये बनता भी ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, ब्रोमोमीथेन। अगर यहाँ पे दो कार्बन वाला सदस्य होता जैसे C2H5 और Br होता तो नाम पड़ता है इसका ब्रोमोइथेन।
तो भी 10th क्लास में इतना ही है बस हेलोएल्केन के बारे में, मतलब भी इनकी संरचना कैसे बनेगी और इनका नामकरण कैसे होगा। हालांकि जब हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ये जो नाम है जैसे यहाँ पे ऐसे है तो वहां पे नाम क्लोरोमीथेन नहीं होता, वहां पे नाम होता है जैसे क्लोरीन जिस कार्बन पे जुड़ी होती है, जैसे पहले कार्बन पे जुड़ी है तो दूसरे कार्बन पे जुड़ी है तो उसमें लिखा होगा वन वन क्लोरो, जैसे ऐसे एक क्लोरो मीथेन, मतलब एक कार्बन पे क्लोरीन जुड़ी हुई है, ठीक है ना। मान लो चार चार कार्बन वाली कोई चेन है जैसे ब्यूटेन है तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ 10th क्लास में तो क्लोरोब्यूटेन, लेकिन वहां पे अगर वो क्लोरीन एक पहले कार्बन पे भी तो जुड़ सकती है दूसरे कार्बन पे भी जुड़ सकती है, तो अगर वो पहले कार्बन पे जुड़ी है तो हम लिखेंगे वन क्लोरोब्यूटेन, अगर दूसरे पे जुड़ी है तो टू क्लोरोब्यूटेन। जबकि हम 10th क्लास में सीधा बोल देते हैं चाहे वो पहले पे जुड़ी है चाहे दूसरे पे जुड़ी है तो हम सीधा बोल देते हैं क्लोरोब्यूटेन, जबकि हकीकत में उसका एक्चुअल नाम जो होता है वो उसके जो कार्बन पे जुड़ी होती है उसके हिसाब से उसका नामकरण होता है, ठीक है भाई। तो ये थी क्या हेलोएल्केन, हेलोएल्केन समजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं, और समजातीय श्रेणी में मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे सदस्य आगे बढ़ते हैं उनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है और आणविक द्रव्यमान बढ़ने से उनके भौतिक गुणों में भी अंतर आ जाता है, ठीक है ये बात याद रखना। ये था भाई हेलोएल्केन। हम नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं क्या अल्कोहल देखते हैं, पहले ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारा हो चुका है, अब पढ़ते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल अब अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन, एल्केन है आप लोगों के पास एल्केन, एल्केन में हाइड्रोजन को OH ग्रुप OH समूह से विस्थापित करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या कहा उसने, ये जो OH समूह है इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल समूह। अब अल्कोहल कैसे बना, एल्केन में हाइड्रोजन को OH ग्रुप से विस्थापित कर दिया। एल्केन क्या होती है CnH2n+2, ये होता है सूत्र किसका, एल्केन का। अब इस एल्केन में एक हाइड्रोजन को हम विस्थापित करेंगे किससे, हाइड्रोक्साइल समूह से, मतलब हाइड्रोक्साइल समूह क्या OH समूह, उससे विस्थापित करेंगे। अब देखो अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे किससे OH समूह से तो सूत्र निकल के क्या आएगा CnH2n+1। देखो एक हाइड्रोजन गया और साथ में क्या जुड़ा OH, ठीक है। कार्बन n बराबर क्या है, n बराबर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मीथेन में जब एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है मीथेन, मीथेन में अगर एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हो जाएगा तो जो सूत्र निकल के आएगा, जैसे उदाहरण ले लेते हैं CH4, CH4 होता है मीथेन, इसकी संरचना क्या होती है, ये होती है भाई H H H ये H, इसको हमने क्या किया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को विस्थापित किया किसके द्वारा, विस्थापित किसके द्वारा OH समूह से। अब एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया OH से, क्या बनेगा CH H H और यहाँ क्या लग गया OH, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक अल्कोहल बन जाएगा, तो अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो सभी अल्कोहल का एक साधारण सूत्र होता है और वो सूत्र क्या है, ये उनका साधारण सूत्र है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल एल्केन से बने हैं और एल्केन में एक हाइड्रोजन को OH समूह से विस्थापित कर दिया है, तो हाइड्रोजन को OH ग्रुप से विस्थापित करने पर हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ OH समूह को प्रकार्यात्मक समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि जो देखो ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इन सभी का निर्माण तभी होता है जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन के साथ कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है तभी इनका निर्माण होता है। जैसे अल्कोहल का अपना एक प्रकार्यात्मक समूह है और वो क्या है OH, हेलो एल्केन के प्रकार्यात्मक समूह क्या है, हैलोजन के सदस्य क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी, तो OH को हम प्रकार्यात्मक समूह बोल सकते हैं किसका, अल्कोहल का, ठीक है भाई। अब उसने कहा कि ये इनका साधारण सूत्र है, तो हम एक दो यौगिक पढ़ लेते हैं किसमें अल्कोहल में क्या बनेगा, जैसे मीथेन है मीथेन CH4, इसमें
एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ OH से तो क्या बना CH3OH C2H6 इथेन इसमें रिप्लेस हुआ तो क्या बना C2H5OH C3H8 इसमें रिप्लेस हुआ तो क्या बना C3H7OH ठीक है भाई ये यौगिक बनेंगे किसके अल्कोहल के। अब हम देखते हैं इनका नामकरण किस प्रकार होगा किसका नामकरण नामकरण अल्कोहल का। अभी मैंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का नाम दिया तो जाता है मुख्य श्रृंखला से ही जो मुख्य श्रृंखला होती है लेकिन जब उनके प्रकार्यात्मक समूह जुड़ जाते हैं तो हम उस मुख्य श्रृंखला के आगे या पीछे कोई शब्द लगाएंगे मतलब कोई प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा। अब इसमें OH OH है तो इसके नाम में क्या लगेगा वो आगे जुड़ेगा कि पीछे जुड़ेगा। अब देखो ये क्या है ये अल्कोहल है अल्कोहल अल्कोहल ये है तो इसके पीछे से दो शब्द हमें OL क्या है OL तो यही उठा के क्योंकि OH जुड़ा है और OH दिखाता है OH किसका प्रकार्यात्मक समूह है अल्कोहल अल्कोहल का है तो अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह अगर किसी एल्केन के साथ जुड़ा है तो उस एल्केन का नाम भी उस अल्कोहल के पीछे वाले दो शब्द जोड़कर बना दिया जाएगा जैसे ये OL लगा देंगे। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं मीथेन ठीक है हिंदी में भी मीथेन लिखते हैं ये लिखते हैं मीथेन तो इसमें जब इसका IUPAC नाम पड़ेगा किसका अल्कोहल का मीथेन में OH समूह जुड़ा तो IUPAC नाम क्या पड़ेगा इसका IUPAC नाम क्या पड़ेगा तो इसका E चला जाएगा मीथेन का और पीछे यहां OL लग जाएगा तो नाम पड़ेगा मीथेनोल ठीक है। ऐसे ही इसका नाम पड़ेगा इथेनोल क्योंकि इथेन का E चला जाएगा ऐसे ही इसमें प्रोपेनोल प्रोपेनोल बात समझ में आएगी। ये इनका IUPAC नामकरण करने का तरीका है जबकि इसका साधारण नाम क्या होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल लेकिन IUPAC नेम क्या होगा मीथेनोल इथेनोल प्रोपेनोल मतलब जो हमारे पास एल्केन होते हैं अगर उसमें OH समूह जुड़ गया तो समझ लो उसके अल्कोहल का पीछे OL भी उसके नाम में जुड़ जाएगा मीथेन में OH जुड़ा तो मीथेनोल बन जाएगा इथेन में OH जुड़ा तो इथेनोल बन जाएगा प्रोपेन में अगर OL जुड़ा तो प्रोपेनोल बन जाएगा। अब इनको देखने से आप लोगों को कुछ समझ में आता होगा कि क्या ये जो सदस्य हैं देखो ये अल्कोहल के क्रमागत सदस्य है ये पहला सदस्य दूसरा सदस्य तीसरा सदस्य तो ये क्रमागत सदस्य है इन क्रमागत सदस्यों के बीच आपको CH2 इकाई का अंतर दिखाई दे रहा होगा CH2 इकाई का इसके इसके बीच में एक कार्बन का अंतर है और इस हाइड्रोजन में कितने का अंतर है दो का इसका मतलब है अल्कोहल भी समजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं समजातीय श्रेणी इसका मतलब है इनमें समजातीय श्रेणी के जितने भी गुण हमने बताए थे वो सभी गुण इसमें लागू होंगे किसमें अल्कोहल में तो ये हो गया भाई क्या अल्कोहल का नामकरण। ये 10th क्लास में ऐसे ही होता है जबकि हायर क्लास में अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ेगा उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा भाई जब पहले कार्बन पे जुड़ा है कि दूसरे कार्बन पे जुड़ा है तीसरे कार्बन उस हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। अब जैसे जैसे सदस्य आगे बढ़ते रहेंगे इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता रहेगा तो इनके भौतिक गुणों में अंतर आ जाएगा लेकिन रासायनिक गुण समान रहेंगे क्यों क्योंकि ये समजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं तो इनके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे ठीक है भाई बात समझ में आएगी। तो इतना सही पढ़ना है आप लोगों के पास 10th क्लास में कि इनका नामकरण कैसे करते हैं और इनकी संरचना क्या होती है। अब संरचना में क्या है जैसे ये लग गया अब इथाइल अल्कोहल की संरचना देखिए हम इथेन का बना लो जैसे इथेन में दो कार्बन होते हैं ये और इसके हाइड्रोजन पूरे करो ये हाइड्रोजन हो गए सभी जगह। अब उसने कहा है कि एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो तो ये हो गया OH तो ये बन गया क्या इथेनोल की संरचना बात समझ में आएगी भाई। तो इसी प्रकार आप किसी भी एल्केन में जिस भी एल्केन से अल्कोहल बना होगा उसकी संरचना कर सकते हो। आपको अगर इथेन की संरचना का पता है तो आप
उसमें अल्कोहल की संरचना भी आसानी से कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि उसने किसकी पूछी है, ये मिथेनॉल की पूछी है, इथेनॉल की पूछी है, कि ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, किसकी उसने संरचना पूछी है। पेंटेनॉल की पूछी है तो नाम से पता चल जाएगा उसमें पांच कार्बन आएंगे, और पांच कार्बन वाले अगर हम मिथेन की बात करें पांच कार्बन वाले तो C5H12 होता है सूत्र C5H12। तो इसकी पहले मीथेन की संरचना बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 सभी में हाइड्रोजन पूरा करेंगे, ये होगी ये 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 तो हो गया मीथेन। अब सॉरी पेंटेन, अब पेंटेन में उसने कहा है कि एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे OH लग जाएगा, बस बन गई किसकी, ये बन गई भाई पेंटेनॉल की संरचना। इस प्रकार हम संरचना कर सकते हैं किसकी भाई, अल्कोहल की, किसी भी अल्कोहल की, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, हेलो एल्केन और अल्कोहल्स, दो तीन पढ़ चुके हम, हमारे रह गए भी तीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।